हेलो फ्रेंड्स, भावना की जायका में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मैंगो कलाकंद की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आम को अच्छे तरीके से बढ़िया से जो पका हुआ आम है उसे धो लेके उसका छिलका उतार लेंगे। छिलका उतारने के बाद उसे पीस पीस करके काट लेंगे और इस तरीके से हम मिक्सी जार में डाल देंगे। मैंने दो आम का ये लिया है, उसे अच्छे तरीके से पीस लेंगे। एकदम महीन पेस्ट बना लेना है। एकदम देखिए जैसे मैंने ये पेस्ट बनाया आपको दिखा रही हूँ, इसी तरीके से महीन पेस्ट बना लेंगे। और इधर हमने हाफ लीटर दूध ले लिए हैं, ये अभी दूध ठंडा ही है। उसमें सबसे पहले एक कप भर के हम मिल्क पाउडर मिला लेंगे। ये अच्छे से जब मिल्क पाउडर अच्छे से मिल जाए तो हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। उसके बाद इसे लगातार चलाते हुए हम गाढ़ा करते चले जाएँगे। इसमें उबाल आ जाए, एक उबाल आने के बाद उसमें आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर डालने के बाद अगल बगल स्क्रैच करते हुए इसे हम चलाते रहेंगे जब तक कि हमारा दूध आधा ना हो जाए। जब हमारा दूध आधा हो जाएगा तब उसमें हम एक बड़ा चम्मच चीनी डाल देंगे भर के, और उसी के साथ भी इसे लगातार चलाते रहेंगे। चलाते समय ये ध्यान रखना है कि जब दूध हमारा गाढ़ा होने लगे तब फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे ताकि हमारे तले में चिपके नहीं। जब हमारा दूध गाढ़ा होकर आधा हो जाए तब हम ये आम का जो पल्प पीस के रखे हैं वो उसमें हम डाल देंगे। आम का पल्प डालने के बाद इसे लगातार चलाते रहना है और इसमें आँच को थोड़ा तेज़ रखें और उसे ढक दे दें, जबकि क्योंकि आम जब उसमें होगा तो वो आइए देखिए जब हम ये आम के खटास से हमारा दूध थोड़ा फट गया है, इसीलिए इसे इस तरीके से ऊपर से छींटा आता है। और उसके बाद उसमें जब हम एक चम्मच बड़ा चम्मच घी डाल देंगे, घी डालने के बाद भी हम उसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि हमारा तले में चिपके नहीं। इतना प्रोसेस होने में 15 मिनट समय लगता है और इसे लगातार चला आम डालने के बाद इसे लगातार चलाते रहें। दूध हमारा फट चुका है इसीलिए इसे हम चलाते रहेंगे और जब तक ये अच्छे तरीके से गाढ़ा ना हो जाए। और हमारा पैन जब तक ना छोड़ दे, अपने आप इसे पैन छोड़ने लगता है, जब तक ये पैन ना छोड़ने लगे तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए इसका कलर भी कितना खूबसूरत आ गया है। इसे इस तरह चलाते हुए हमें 10 से 15 मिनट तक लगे हैं और इसी तरीके से चलाते चलाते ये देखिए हमारा गाढ़ा हो गया। अब हम इधर थाली में आप किसी भी ट्रे में घी लगा के उसे चिकना कर लें, उसके बाद उस बने हुए पेस्ट को इसमें हम डाल देंगे। ऐसे अच्छे से सेट कर दें, पहले प्लेन कर दें, आपको जैसा भी आकार देना है उस तरीके से इसे हम, अभी तो ये गर्म है इसलिए हाथ से छूना मुश्किल है, इसलिए मैं इसे सर्विंग स्पून से ही कर रही हूँ। इसी तरीके से हम इसे फ्लैट कर लेंगे और इसे एक घंटा के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है। बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना है, इसे डीप फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में ही डालना है ताकि ये अच्छे से सेट हो पाए। एक घंटे में जब फ्रिज में हो चुका है और फिर हम इसे सेब से जिस जैसा भी आपको सेब काटना है उसमें आप काट सकते हैं। ये देखिए हमारा मैंगो कलाकंद बनके तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।